अगली खबर में बात करते हैं पन्ना की, जहां मध्य प्रदेश शासन एक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने हैं तो अन्य योजना चलाकर बैठे गरीबों को लाभ दिलाने का कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारी और 12 साल कर्मचारी की दबंगई चलते गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला पन्ना जिले के आमनगंज तहसील अंतर्गत आने वाले सुनवानी सहकारी समिति के शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पदस्थ सेल्समैन जमुना प्रसाद राय द्वारा दबंगई के चलते 3 महीनों से गरीबों को खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा, जिससे गरीब लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। उपस्थित लोगों ने बताया कि सेल्समैन द्वारा 3 माह से फ्री मिलने वाले खाद्यान्न को दबंग सेल्समैन द्वारा घोटालेबाजी कर बेच दिया जा रहा है। वहीं जनपद सदस्य का कहना है कि सेल्समैन की तानाशाही एवं अधिकारियों की लापरवाही के चलते गरीबों के साथ छलावा किया जा रहा है, जबकि कई बार फूड इंस्पेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई, इसके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। एसडीएम महोदय गुन्नौर को भी फोन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों की पन्ना कलेक्टर से मांग है कि गरीबों का हक दिलवाया जाए और भ्रष्ट अधिकारी और दबंग सेल्समैन के ऊपर कार्यवाही की जाए। क्या नाम है? छत्रपाल पटेल। क्या समस्या है? गल्ला ही क्यों खाई थी? हाँ, गल्ला कब से नहीं मिल रहा है? अब 2-3 महीना से नहीं मिलू को मिलू पर। अच्छा, सेल्समैन के द्वारा बोला गया? अंगूठा भर लगवा ली बस। अच्छा, अंगूठा लगा लिए जाते हैं खाद्यान्न नहीं दिया? हाँ हाँ, कहूँ 1 महीना को दे दे, कहूँ कहूँ दे दे, पैसा लिए थे सीएम वो कह दे सीएम को आओ पीएम को आओ थे। अच्छा, फ्री वाला खाद्यान्न दिया जाता है? नहीं दे दे, पैसा लिए। पैसा लिए? क्या नाम है? नसीम खान। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे खाद्यान्न वितरण में? हमारा गल्ला नहीं मिला अभी। अच्छा, कौन सा? ना फ्री वालों मिलो ना जो पैसा वालों मिलो, कौन नहीं मिलो। अच्छा, आपके द्वारा किसी को बोला गया खाद्यान्न के लिए? हमारा ने कौन ना बोलूंगा, सेल्समैन से बोला है? मिले ही नहीं, अगर कान लगा के आराम से ले लियो। अच्छा, शांति से आज आए हम, सो नहीं मिलो, कल आए थे सो नहीं मिलो। सेल्समैन का क्या नाम? जमुना राय बबलू। कभी आता है यहाँ पे? जब कबूँ आ सो आपका हमारा मजदूर आदमी सो अपनी मजदूरी से जाइए, अब बटा तो लो सो ना कि शांति से तुम तो बगल की आसो ले लियो। अच्छा। अब बगल की मैं जे है फिर रहे 2 दिन से, काल को हर जा करो आज को करो। अभी भी नहीं आया सेल्समैन? अबे आई नहीं, अभी क्या पता है कहाँ है। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि हाँ उनको फ्री खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाता। सुनने में तो हमें भी आया है कि यहाँ विगत 3 माह से निःशुल्क जो वितरण पीएम माननीय मोदी जी के द्वारा भेजा जा रहा है उसका यहाँ कोई वितरण नहीं हुआ है। और विक्रेता के द्वारा सूचना, मैंने दूरभाष पर जब उससे बात की तो विक्रेता बबलू राय द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ हमारे ब्लॉक के खाद्य अधिकारी त्रिपाठी है वो लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ आवंटन जो आना चाहिए वो आवंटन यहाँ जारी नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारे यहाँ विगत 3 माह से करीब 100 लोग रह जाते हैं, ऐसे लोग रह जाते हैं जिन्हें और मजदूरी, क्योंकि एरिया क्योंकि बहुत गरीब है और मजदूरी इनका मेन वो है, और 8-8 दिन तक ही मजदूरी अपनी छोड़ करके और सोसाइटी के चक्कर काटते रहते हैं और इन्हें गल्ला प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी हमारे यहाँ 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें गल्ला प्राप्त नहीं हुआ है, 1 माह का नहीं हुआ है, जबकि शासन यहाँ 2 माह का गल्ला प्रदान कर रही है, हर महीने एक फ्री का भी दे रही है पीएम मोदी का द्वारा, उनके द्वारा आ रहा है, वो तो 3 माह से यहाँ वितरण नहीं हो पाया है। और जो जमुना प्रसाद राय बबलू हैं यहाँ अपने कुछ लड़कों के द्वारा यहाँ राशन का वितरण करवाते हैं, यहाँ पोस्टेड है कोई विक्रेता यहाँ पर आधिकारिक रूप से है नहीं है, क्योंकि वो समिति प्रबंधक के चार्ज में है, तो यहाँ अपने लड़कों के द्वारा वो गल्ला वितरण करवाते, उनसे अगर कोई बात की जाए तो वो उचित जवाब नहीं दे पाते। आपके द्वारा किसी अधिकारी को? मैंने इस संबंध में माननीय सम्माननीय SDM महोदया से बात की है, जिन्होंने जाँच करने की बात कही है, तहसीलदार महोदया से दूरभाष पर बात की है, और अमानगंज तहसीलदार महोदया चतुर्वेदी मैडम से, जिन्होंने कहा, और खाद्य अधिकारी के द्वारा संपर्क त्रिपाठी जी के द्वारा जब मैंने मोबाइल लगाया उनका, तो लगातार 3-4 दिन से वो हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं।